No, 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 no. वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इस समय जापान के दौरे पर हैं, जहां G7 समिट का सम्मेलन हो रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी का विमान पर चढ़ता हुआ वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से खूब शेयर किया जा रहा है। वीडियो में यदि आप गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी विमान पर चढ़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच आप वीडियो में देख सकते हैं प्रधानमंत्री पहले 5 से 10 सीढ़ियां चढ़ते हैं और उसके बाद हाथों से इशारा करके अभिवादन कर रहे हैं। ठीक इसके बाद फिर से प्रधानमंत्री मोदी कुछ सीढ़ियां चढ़कर वहां से लोगों को अभिवादन कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी विमान पर चढ़ रहे हैं वहां लगभग 25 से 30 लोग ही होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 25 से 30 लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें। इसके पहले भी जापान से वीडियो सामने आया है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को फोटो सेशन के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अलग अलग देशों के कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री फोटो सेशन करवा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने कहा, कैमरा जीवी 25 सीढ़ियां चढ़ने में दो बार कैमरे पे अपना मुंह चमकाया। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर मोदी कह दें कि अमेरिका जब हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया था तो मैंने अमेरिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन अनशन सत्याग्रह आंदोलन किया था। हिरोशिमा के साथ मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है। एक और यूजर तंज कसते हुए लिखते हैं, कर्नाटक ने पूरा मेकअप उतार दिया, अब नौटंकी नहीं चलेगी। आप दोस्तों इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें।